अब हम आपको बता रहे हैं मेथड, मेथड टू फाइंड, मेथड टू फाइंड, फाइंड आउट रिड्यूस लेविन। रिड्यूस लेविन लेने का जो है भाई, देखिए आप रिड्यूस लेवल जो है क्या करते हैं, रिड्यूस लेवल के लिए ही आप रीडिंग लेते हैं। तो कौन कौन से मेथड है आरएल को ज्ञात करने का? तो सबसे फर्स्ट मेथड है हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये देख लीजिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ये होते हैं सब। तो देखिए सपोज करिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसी का आपको लेवल जो है ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर जो है, देखिए ये है आपका बेंच मार्क, बेंच मार्क मैं बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट, जो फर्स्ट रीडिंग आप लेते हैं ये स्टाफ है, और देखिए ये है आपका, सपोज करिए ये लेवलिंग मशीन है, ये क्या है, ये लेवलिंग, ये आपका मशीन है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। तो आप जो है इसके बाद देखिए थोड़ा सा फिगर को हमको ड्रॉ करने दीजिए यहां पर, फिर स्टाफ को मैंने देखिए यहां पर शो कर दिया, एक जगह और स्टाफ को मैं शो कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए ये स्टाफ शो कर दिया, और एक जगह और स्टाफ को शो करने ले दीजिए, चलिए ठीक है। तो ये है स्टाफ, चलिए ठीक है। तो देखिए एक बात बताते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो बेंचमार्क होता है इसका आरएल क्या होता है, नोन होता है, आरएल नोन होता है, रिड्यूस लेवल क्या होगा, नोन होगा, ठीक है। अच्छा तो जो फर्स्ट रीडिंग होगी, जो फर्स्ट रीडिंग, तो यहां ये क्या कहलाएगी, बैक साइड, यही रीडिंग क्या होगी, बैक साइड। बात समझिए, बेंचमार्क जिसका रिड्यूस लेवल पता है उस पर जब सबसे पहले आप वहीं का रीडिंग क्या करते हैं, लेते हैं, और वह रीडिंग बैक साइड कहलाता है। एक्चुअल में जो ए पॉइंट है, मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, अब आप इसका रीडिंग लिए, तो देखिए ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट साइड, ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट साइड, हम यहां भी लिख दे रहे हैं इंटरमीडिएट साइड, और यहां पर देखिए बैक साइड। फिर देखिए आप समझिए यहां पर एक रीडिंग और ले रहे हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट साइट। चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट साइट, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं। और मान लीजिए, मान लीजिए अब आपको मशीन चेंज करना है, मशीन चेंज करना है, तो ये जो लास्ट रीडिंग सी पर आप क्या कर रहे हैं, लास्ट रीडिंग ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा फोर साइट, ये क्या कहलाएगा, फोर साइट। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, इस बात को आपको समझना चाहिए, ये क्या कहलाया, फोर साइट, ठीक है, सी पॉइंट पर। तो देखिए इस तरह से जो है, बैक साइट क्या है, इंटरमीडिएट साइट क्या है, फोर साइट क्या है, आप समझ गए। अब मैं एक बात बता दूं, देखिए इस मेथड में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में करते क्या है, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन भाई ज्ञात करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेंचमार्क, देखिए बेंचमार्क मतलब बेंचमार्क जिसका रिड्यूस लेवल आपको नोन है, आरएल नोन है, इसका आरएल क्या है, नोन है, इसमें आप क्या करेंगे, बैक साइट को ऐड कर देंगे। याद कर लीजिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलता है, जो भी आरएल नोन है उसमें जो है आप बैक साइट को ऐड कर दीजिए।
तो ये आपका फिर से मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। और क्या करिए, देखिए अब आपको डिफरेंट पॉइंट का आरएल चाहिए, तो क्या है, देखिए आरएल ऑफ एनी पॉइंट, देखिए मशीन चेंज नहीं हो रही है, एनी पॉइंट आरएल ऑफ एनी पॉइंट इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, इसका मतलब जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका फाइंड आउट हो गया उसमें से इंटरमीडिएट साइड को डिडक्ट करते चले जाएंगे। क्लियर समझ लीजिए, तो आपको आरएल फाइंड आउट होते चला जाएगा, तो जो लास्ट रीडिंग होगी सपोज करिए तो फोर साइड होगी, तो वो भी इसी एचआई में से, इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से डिडक्ट किया जाएगा, तो वो जो है लास्ट, देखिए ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ जो फोर साइड को आप एचआई से डिडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आरएल ऑफ दैट पॉइंट निकल जाएगा, आरएल ऑफ दैट पॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए अब आप सुन लीजिए, फिर मशीन को मान लीजिए आपने मशीन को फिर यहां पर क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो जब मशीन को यहां सेट करते हैं तो फिर फर्स्ट रीडिंग लेते हैं मान। देखिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो भी फिगर है ये सब सिंबॉलिकल है, ओनली आपको समझाने के लिए। तो देखिए मान लीजिए आपने मशीन को सेट किया और इसके बाद फिर जो है आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर रीडिंग लेते हैं, यहां चेंज पॉइंट है ये, तो फर्स्ट रीडिंग क्या कहलाएगी, बैक साइड। अब देखिए यहां का आरएल आपको पता है, अरे भाई देखिए ना यहां का आरएल, सी पॉइंट का जो आरएल है, सी पॉइंट का आरएल ये क्या है, एच आई माइनस फोर साइड। अब आरएल पता है तो उस आरएल में बैक साइड फिर ऐड कर दीजिए, उस आरएल में जैसे सी पॉइंट का आरएल ऑफ सी पॉइंट देखिए प्लस बैक साइड, तो अब आपका फिर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर समझ गए होंगे, अब फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको फाइंड आउट हो गया। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो भी आप देखिए, इसके बाद जो है सपोज करिए यहां का स्टाफ रीडिंग लेते चले जाएंगे, तो ये जो रीडिंग है एचआई में से क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड को डिडक्ट करते जाएंगे और आपका डिफरेंट पॉइंट का आरएल फाइंड आउट होते चला जाएगा। ठीक है, बट फिर आपको मशीन चेंज करने की मान लीजिए जरूरत पड़ी, सपोज करिए मान लीजिए ये आपका पॉइंट एम है मान लीजिए, तो देखिए यहां पर लास्ट रीडिंग, यहां से जो रीडिंग लेंगे लास्ट रीडिंग लेंगे, अब मशीन फिर चेंज करना है आपको, तो ये फिर जो है क्या कहला जाएगा, ये रीडिंग फोर साइड। और एक बात बताते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी यहां पर डिसाइड हुआ है उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से एम पॉइंट का फोर साइड आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड ऑफ एम पॉइंट, तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, आरएल ऑफ एम पॉइंट। देखिए आपका आरएल आ गया, इसके बाद आप मशीन को फिर चेंज कर लीजिए, मशीन को चेंज कर लीजिए और देखिए फिर इस मशीन से यहां इसी पॉइंट एम पॉइंट का रीडिंग लेना पड़ेगा, तो वो रीडिंग जो है यहां से वो फिर बैक साइड कहलाएगा। और देखिए फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, देखिए आरएल ऑफ एम पॉइंट प्लस बैक साइड। अब इससे ज्यादा क्या, फिर जो है देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां के लिए फाइंड आउट हो गया। अब आप देखिए सपोज करिए यहां मतलब आगे जो है रीडिंग जो भी लेंगे वो इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा, और इसमें से ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको फिर मिल गया, उसमें से आप क्या करिए,
जो है इंटरमीडिएट साइड को डिडक्ट करते करते चले जाएंगे, तो देखिए डिफरेंट पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। हमारे ख्याल से आप क्लियर समझ गए होंगे। इसके बाद जो है फिर देखिए एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप फिर फोरसाइट लेंगे, तो देखिए वो जो है जहां भी, तो फिर देखिए वो फोरसाइट जिस भी पॉइंट पर फिर लेंगे तो वहां का रिड्यूस लेवल तो आपको पता ही चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही एचआई आपका उस पॉइंट के लिए भी काम करेगा, तो वहां का रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा और वो पॉइंट आपका वो लोकेशन जो है सीपी होगा, वो लोकेशन क्या होगा? सीपी होगा। देखिए यहां पर ये लोकेशन भी सीपी है, यहां पर ये लोकेशन भी सीपी है, तो सीपी पर हमेशा जो है चेंज पॉइंट पर हमेशा आपको दो रीडिंग लेनी होती है, एक तो फोरसाइट और एक बैक साइड। बैक साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए आपको एचआई फिर से दूसरा मिल चाहिए। क्यों? क्योंकि मशीन आपने चेंज कर दिया है, इसलिए एचआई फिर चाहिए। तो और आरएल यहां का नोन है, तो उस आरएल में आप फोरसाइट फिर जो है बैक साइड को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एचआई फाइंड आउट हो जाता है। तो ऐसे जो है लेवलिंग कार आप जो है करते चले जाते हैं। तो ये है एचआई मेथड। देखिए इसमें जो है एक बात और बताना है हमको कि भाई ठीक है आपका जो लेवलिंग जो कार्य है वो तो होता चला गया, तो कैसे जो है चेक करेंगे कि भाई हमारा जो लेवलिंग जो वर्क है वो सही है या गलत है? तो इसके लिए अरिथमेटिक चेक होता है। अरिथमेटिक चेक मैं बता दे रहा हूं, अरिथमेटिक चेक ये क्या है? देखिए एक्चुअल में क्या है, जब आप देखिए ये लेवल के संबंध में फील्ड बुक जो है भरेंगे, तो देखिए हम आपको फील्ड बुक जो है फिलिंग करना भी सिखाएंगे। तो देखिए एक्चुअल में सिग्मा बैक साइट जितना भी बैक साइट रीडिंग है उसका ऐड कर लीजिए, उस सबको ऐड कर लीजिए, तो उसमें कहेंगे सिग्मा बैक साइट। और देखिए सारे फोर साइट के रीडिंग को ऐड कर लीजिए तो उसे कहेंगे सिग्मा फोर साइट। इक्वल होता है, ध्यान दीजिए, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो देखिए अगर सिग्मा बैक साइट माइनस सिग्मा फोर साइट का वैल्यू जो भी आ गए, अगर लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये जो भी सर्वेइंग आपने वर्क किया है वो ओके है। वो क्या है? ओके है। तो ये है अरिथमेटिक चेक। क्लियर समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद हम लोग देखिए जो सेकंड मेथड है आरएल फाइंड आउट करने का, जो सेकंड मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड जो देखिए सेकंड मेथड राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए सपोज करिए ये जो है हमारा ग्राउंड है, देखिए ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल है और देखिए ये बेंचमार्क मान लीजिए, देखिए यहां पर ये बेंचमार्क है हम नोट कर रहे हैं, और यहां पर देखिए सपोज करिए ये स्टाफ है, चलिए और यहां आपकी मशीन है, यहां लेवलिंग जो है इंस्ट्रूमेंट है, चलिए ठीक है थोड़ा सा फिगर को ड्रा करना जरूरी है। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि बहुत इजी बात है, यहां पर स्टाफ है, फिर देखिए यहां भी स्टाफ है, और देखिए मान लीजिए एक पॉइंट पर और मैं इस, देखिए ये सारे जो है जो भी फिगर मैं बना रहा हूं ये सिंबोलिकल है,
ये मत सोचिएगा कि कहीं मोटा हो गया पतला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है ये फिगर बना रहा हूं। चलिए ठीक है, देखिए ये जो है ये यहां पर रिड्यूस लेबल क्या है, नोन होता है भाई। देखिए बेंचमार्क मैं बता चुका हूं, ऐसा पॉइंट जिसका आरएल नोन हो, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए मशीन को क्या कर दिए, सेट कर दिए। तो जब मशीन को आपने सेट किया तो जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे तो क्या कहलाएगा, बैक साइड। देखिए अभी अभी हमने जो है आपको जो भी बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में और इस मेथड में रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये जो है देखिए, ये जो रीडिंग ए पॉइंट पर मान लीजिए, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो यहां पर इंटरमीडिएट साइड और यहां भी क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड। और मैं ये सपोज कर रहा हूं सी पॉइंट के बाद जो है मशीन को चेंज करना है, सपोज करिए। तो मेरे कहने का मतलब ये मान लीजिए चेंज पॉइंट है, चलिए कोई बात नहीं, तो यहां हमें क्या फोरसाइट लेना पड़ेगा। देखिए जो रीडिंग होगी, रीडिंग तो रीडिंग है, रीडिंग रीडिंग है, उसका नाम फोरसाइट हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब यहां ये हो गया फोरसाइट, देखिए ये हो गया आपका इंटरमीडिएट साइट, देखिए, और ये हो गया यहां भी इंटरमीडिएट साइट, चलिए ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो है देखिए बैक साइड भी ले लिया, इंटरमीडिएट साइड भी ले लिया और फोर साइड भी ले लिया। तो इसमें जो है आरएल ऑफ एनी पॉइंट, आरएल ऑफ एनी पॉइंट, मैं इसके पहले जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में भी बताया था, बट इसमें देखिए आरएल ऑफ एनी पॉइंट, आरएल ऑफ एनी पॉइंट, क्लियर समझ लीजिए। सबसे पहले आरएल ऑफ एनी पॉइंट के लिए आपको राइज या फॉल फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। आरएल ऑफ एनी पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको राइज या फॉल जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आरएल ऑफ एनी पॉइंट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस, देखिए ध्यान दीजिए, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। दिस रीडिंग का मतलब ये है मेरा पहले वाली रीडिंग जस्ट उसके बाद वाली रीडिंग, ये मतलब है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आपको राइज या फॉल मिलेगा। मान लीजिए आप प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग कर रहे हैं, दिस रीडिंग से मेरा मतलब यही है, मान लीजिए यहां रीडिंग लिए फिर दूसरा रीडिंग यहां से लिए, ठीक है, तब जब यहां लिए तो इस रीडिंग और इस रीडिंग में देखिए इसको जो है आप प्रीवियस रीडिंग इसको कहेंगे और इसको जो है दिस रीडिंग कहेंगे, तो इनको जो है आप सबस्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, देखिए माइनस है ना तो सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सबस्ट्रैक्ट करेंगे, सपोज करिए भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये पॉजिटिव आवे, तो अगर पॉजिटिव आता है, ध्यान दीजिए पॉजिटिव आए तो राइज कहलाएगा, पॉजिटिव आए तो राइज कहलाएगा। अगर सपोज करिए निगेटिव आया, भाई देखिए निगेटिव आया तो फॉल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फॉल कहलाएगा। तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग कहिए, या मतलब उसके बाद वाला रीडिंग, तो देखिए इससे आपको राइज फॉल मिलेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो राइज कहलाएगा, निगेटिव आया तो फॉल कहलाएगा। अब आपको इसी से जो है आरएल ऑफ एनी पॉइंट, तो आपको देखिए यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, आरएल ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा, देखिए एक्चुअल में आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज
ऑब्लिक फॉल। बस अब देखिए, अब आप क्लियर समझ गए होंगे। अरे भाई एरियल ऑफ, देखिए एरियल ऑफ एनी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंट का जो भी एरियल है, प्रीवियस पॉइंट का जो भी एरियल है उसमें से राइज या फॉल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए एक बात बता दें, क्लियर समझिए, राइज पॉजिटिव होता है और फॉल निगेटिव होता है, तो इसका मतलब ऐड का मतलब समझिए एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम भाई, प्रीवियस जो रीडिंग है, प्रीवियस रीडिंग जो है भाई, ठीक है में से दिस रीडिंग को आप सबस्ट्रैक्ट करे हैं तो राइज और फॉल मिला है, तो एरियल ऑफ एनी पॉइंट के लिए आप प्रीवियस पॉइंट का एरियल, प्रीवियस पॉइंट का एरियल में क्या करेंगे भाई, राइज को ऐड कर देंगे और फॉल को भी ऐड कर देंगे। बट एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब ये हुआ राइज तो ऐड होगा बट फॉल माइनस करेंगे ना, फॉल माइनस में होता है, फॉल निगेटिव तो वो सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम करते हैं, यहां प्लस का मतलब ये ना समझिएगा, यहां प्लस का मतलब एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। मतलब अरे भाई प्रीवियस जो रीडिंग है उस भाई, प्रीवियस जो आपका रिड्यूस लेवल है उसमें राइज होगा तो क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा, और फॉल होगा तो डिडक्ट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका क्या होगा जो है एरियल ऑफ एनी पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत इजी बात है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ए पॉइंट, ठीक है ये बेंचमार्क से ही शुरू कर लीजिए, बेंचमार्क ठीक है, इसका एरियल आपको नोन है, इसका एरियल नोन है, तो ठीक इसमें जो है कुछ नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक इसको तो देखिए इसका रिड्यूस लेवल नोन है तो आपको तो यहां का रिड्यूस लेवल चाहिए, यहां का इसका तो रिड्यूस लेवल नोन है तो यहां का रिड्यूस लेवल चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, यहां के रीडिंग में से इस रीडिंग को क्या कर दीजिए, सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसके बाद आपको राइज या फॉल मिल जाएगा। तो राइज और फॉल से आप यहां जो ये रीडिंग है इसमें क्या करिए, राइज है तो ऐड कर दीजिए, फॉल है तो यहां के रीडिंग में डिडक्ट कर दीजिए, तो यहां का रीडिंग पता चल जाएगा। अब आपको देखिए यहां का एरियल, सॉरी यहां का एरियल पता चल जाएगा। अब आपको बी का एरियल चाहिए, बी का रिड्यूस लेवल चाहिए, तो ठीक है इस रीडिंग में से इस रीडिंग को क्या करिए, सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए तो जब आप सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको राइज या फॉल मिलेगा, तो जब राइज या फॉल मिल जाएगा, बहुत इजी बात है भाई, तो राइज या फॉल अगर मिल गया ठीक है, तो आप यहां के एरियल में, यहां के जो एरियल है उसमें राइज को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, फॉल को सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको यहां का एरियल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर वही बस यही काम, इस रीडिंग में से इस रीडिंग को क्या करिए, सबस्ट्रैक्ट करिए, तो फिर राइज या फॉल मिलेगा। तो यहां का एरियल जो है फाइंड आउट करने के लिए, इस एरियल में, इस एरियल में राइज है तो प्लस कर दीजिए और जो है फॉल है तो माइनस कर दीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब यही होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब यही होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, राइज फॉल मेथड से आप क्या करते जाएंगे भाई, डिफरेंट पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते चले जाएंगे। आप क्लियर समझ गए होंगे। एक बात यहां पर करना मुझे बहुत जरूरी है कि देखिए, मैं आपको अब यहां बताना जरूरी समझूंगा कि देखिए, सपोज करिए आप मशीन को यहां पर चेंज कर रहे हैं, सपोज करिए आपने मशीन को चेंज किया ठीक है, और देखिए यहां पर ये स्टाफ है, तो देखिए यहां पर आप जब मशीन चेंज किए, देखिए तो यहां बैक साइड लेंगे ना, बोलिए,
और यहां पर फिर इंटरमीडिएट साइट लेंगे। देखिए तो यहां का तो आरएल आपको पता है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप देखिए यहां टू रीडिंग है, एक तो फोर साइट है और एक बैक साइट है, तो भाई ठीक है भाई इसका हमको आरएल चाहिए ना भाई, इसका आरएल चाहिए, तो हम क्या करें, फोर साइट में से डिडक्ट करें इस रीडिंग को या बैक साइट में से। याद कर लीजिए कभी भी कहीं भी फोर साइट में से डिडक्ट नहीं करिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां का आरएल चाहिए, क्लियर समझिए, यहां का आरएल चाहिए तो क्या करेंगे आप, बैक साइट तो पता है, तो बैक साइट माइनस फोर इंटरमीडिएट साइट, बैक साइट माइनस फिर इंटरमीडिएट साइट, तो देखिए फाल या राइज कुछ भी मिले, अब जो है इस रीडिंग में इस आरएल में जो भी यहां का आरएल है उसमें प्लस या माइनस कर देंगे तो यहां का फिर आपको क्या मिल जाएगा, आरएल। तो इसी तरह डिफरेंट पॉइंट का क्या करते जाइए, आरएल कैलकुलेट करते जाइए। फिर मैं एक बात बता दूं, यहां पर फिर मुझे समझाना जरूरी है, मान लीजिए आप भाई फिर आप मशीन चेंज किए और यहां आ गए, मान लीजिए ये बेंचमार्क नहीं है, तो यहां पर यहां देखिए या मशीन चेंज कर ली, ठीक है इसको मैं चूंकि उधर जगह नहीं है, आपका मशीन यहां था, आपका मशीन मान लीजिए यहां था, और यहां पर ये देखिए ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है ये जो रीडिंग आपने लिया तो ये क्या होगा, ये फोर साइट होगा, ये क्या हो जाएगा, फोर साइट होगा। अभी आप इसको भूल जाइए थोड़े देर के लिए, ये भूल जाइए, तो देखिए या मशीन को आपने जो है आगे शिफ्ट किया है, क्योंकि आगे मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां ला लिया, तो ठीक है देखिए ये फोर साइट हो जाएगा। बट अब जो है देखिए एक्चुअल में हम यहां ये जो मशीन था ये इसी को मैं यहां लाया हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, तो लास्ट जो पॉइंट होगा ये फोर साइट हो गया, ठीक है। अब मशीन को आप यहां से यहां फिर से शिफ्ट करना है, ठीक है, तो मान लीजिए मशीन आपने शिफ्ट कर दिया, तो जब मशीन आप लेवल मशीन शिफ्ट कर दिए तो फिर आप क्या, यहां तो फोर साइट आप ले चुके हैं, तो फोर साइट ले चुके हैं तो यहां का आरएल आपको पता हो जाएगा। अरे भाई इसके पहले जो इंटरमीडिएट साइट था, इंटरमीडिएट साइट माइनस फोर साइट किए रहेंगे तो राइज या फॉल, और जो पहले वाला जो आपका भाई आरएल है उसमें ये वाली रीडिंग जो है क्या करेंगे भाई, प्लस है सपोज करिए राइज है तो प्लस कर देंगे और फॉल है तो माइनस कर देंगे, तो आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, रिड्यूस लेवल यहां का ये सीपी है आपका। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अब मशीन को आप फिर से यहां चेंज कर लीजिए, तो चेंज किए तो बताइए यहां बैक साइड फिर लेंगे ना, बैक साइड लेंगे और फिर यहां पर देखिए इंटरमीडिएट साइड, मैं देखिए बार बार कह रहा हूं ये लोकेशन अब ए भी नहीं रह गया, मान लीजिए ये लोकेशन एम हो गया, मान लीजिए तो अब एम पॉइंट का आपको क्या चाहिए, एम पॉइंट का आपको आरएल चाहिए, एम पॉइंट का रिड्यूस लेवल चाहिए। अब क्वेश्चन फिर उठता है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास यहां रीडिंग कितनी है, दो रीडिंग, एक तो फोर साइट है और एक बैक साइट है, याद कर, तो फिर जो है सुन लीजिए ये बैक साइट में से इंटरमीडिएट साइट को डिडक्ट करेंगे तो जो भी राइज या फॉल आएगा वो इस रीडिंग में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अलजेब्रिक सम, तो यहां का आरएल फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर समझ गए होंगे कि फोर साइट में से एपी वर्मा कभी भी डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं एक बार और समझाना चाहता हूं, अब आप देखिए सपोज करिए यहां का भी आरएल आप फाइंड आउट कर ही लेंगे, फिर देखिए यहां का आरएल फाइंड आउट कर लिए, मान लीजिए देखिए यहां का आरएल फाइंड आउट कर लिए और ये आपका देखिए फोर साइट है, ये आपका भाई देखिए मशीन यहां है, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज यहां कर लिए, मान लीजिए यहां मशीन चेंज कर लिए तो फिर आप यहां पर ये देखिए ये सीपी है, तो देखिए इस रीडिंग में से इस रीडिंग को आपने माइनस किया है तो माइनस किया तो राइज या फॉल आएगा, तो यहां का जो आरएल है उसमें आप प्लस या माइनस कर देंगे, प्लस या माइनस, तो यहां का आरएल तो मिल ही गया आपको, क्लियर समझ गए होंगे।
अब क्वेश्चन ये उठता है, यहां कार्य लोन हो गया आपको, ठीक है, अब फिर जो है आपको यहां कार्य चाहिए, यहां का आरियल चाहिए। तो देखिए फिर यहां बैक साइड लेते हैं ना भाई, तो बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड डिडक्ट करेंगे। देखिए फिर मैंने फोर साइड में से इंटरमीडिएट साइड को डिडक्ट नहीं किया, ये मेरा कहना है। तो देखिए बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड अगर डिडक्ट करेंगे, कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो भाई देखिए राइज या फॉल आएगा। तो इस रीडिंग में ये जो रीडिंग है आपकी, इसमें फिर क्या कर दीजिए भाई, राइज है तो प्लस कर दीजिए, फॉल है तो माइनस। इस रीडिंग में इस लेवल में वही बात है भाई, तो इस लेवल में जो है आप राइज या फॉल को अल्जेब्रिक सम कर दीजिए तो यहां का राइज या फॉल मिल जाएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए इंटरमीडिएट साइट है, तो इसमें से इसको जो है इस रीडिंग को डिडक्ट करेंगे तो राइज या फॉल मिलेगा। और इस आरएल में राइज या फॉल जब ऐड कर देंगे तो यहां का आरएल आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहां मशीन है ना, तो कहां तक का आरएल देगा, फोर साइड तक का आरएल देगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ फोर साइड में से कभी भी आप डिडक्ट नहीं करेंगे, ये मेरा कहना है। चेंज पॉइंट पर आपको बैक साइड मिलेगा, तो बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को क्या करिए, डिडक्ट करिए, राइट फॉल निकालिए, और जो चेंज पॉइंट का आरएल है उसी में जो है आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, तो इस पॉइंट का आपका क्या हो जाएगा, आरएल फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मुझे ये बताना है कि देखिए ठीक है, आप डिफरेंट पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर लिए, कैसे आप ये जानेंगे इस प्रोसेस में कि जो आपका सर्वेइंग जो वर्क है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए सुन लीजिए, इसके लिए भी आप समझिए, हम देखिए अरिथमेटिक चेक ये क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी है, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इसका मतलब ये हुआ बैक साइड में जितने रीडिंग्स हैं सबको ऐड कर लीजिए, फोर साइड में जितने रीडिंग्स हैं उसको ऐड कर लीजिए, दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कुछ वैल्यू आपको यहां फाइंड आउट हो जाएगी। सारे राइज के कॉलम में देखिए जो वर्टिकल कॉलम है राइज का, उसमें सारे रीडिंग को जो है ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो सिग्मा राइज मिल जाएगा, और सिग्मा फॉल भी ऐड कर लीजिए, दोनों को डिडक्ट करिए, तो ये जो है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो आपका जो सर्वे वर्क है वो क्या है, परफेक्ट है, ओके है, करेक्ट है। अच्छा ठीक है, इक्वल टू एक बात और भी है, लास्ट आरियल जो आपका लास्ट आरियल है उसमें से फर्स्ट जो आरियल है उसको डिडक्ट कर दीजिए, और मान लीजिए वो भी इक्वल आ गया, तो देखिए इसमें आप किन्हीं दो का भी चेकिंग करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा एक चीज यहां मुझे फिर कहना है, सपोज करिए किसी ने देखिए सिग्मा फोर साइड कर दिया माइनस सिग्मा बैक साइड कर दिया, मान लीजिए कर सकता है, तो लेकिन यहां पर सिग्मा फॉल पहले तब करना पड़ेगा, माइनस सिग्मा
राइज करना पड़ेगा। देखिए आपने इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो ठीक है अगले वाले को भी अपोजिट कर देंगे, फिर अगले वाले को भी फर्स्ट आर्यन, फर्स्ट आर्यन माइनस तब लास्ट आर्यन हो जाएगा, लास्ट आर्यन। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, इससे ज्यादा जो है मैं क्या बता सकता, ये आपका अर्थमेटिक चेक हो गया। तो वीडियो का ये पार्ट देखिए यहीं पर समाप्त होता है, अगले पार्ट में फिर हम आपको देखिए जो लेवलिंग से रिलेटेड अन्य आइटम का स्टडी कराएंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, धन्यवाद।